और अब बात सुशांत केस की कर लेते हैं। इस मामले में ईडी ने अब रियान फैमिली के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं ताकि डिलीट डेटा रिकवर किया जा सके। और उधर सुशांत के भाई ने कानूनी नोटिस भेजकर शिवसेना नेता संजय राउत से माफी मांगने के लिए कहा है। फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते। क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए। इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुशांत के भाई और बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने उनके ईमेल पर कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा है। नोटिस में संजय राउत को 48 घंटे का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाएगा। हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। इस बीच सुशांत केस में ईडी एक्शन में है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने ईडी के अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक अपना बयान दर्ज करवाया। मीतू दोपहर के करीब 1 बजे ईडी दफ्तर पहुंची थी और रात के 10 बजे उन्हें फुर्सत मिली। मीतू से पहले ईडी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की। सूत्रों की माने तो श्रुति मोदी ने ईडी को बताया कि सुशांत के प्रोजेक्ट के सारे फैसले रिया ही लिया करती थी। उधर 13 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि मामले की जांच का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रिया की ओर से कहा गया है कि उन्हें सीबीआई या मुंबई पुलिस की जांच से कोई परेशानी नहीं है, वो केवल इतना चाहती हैं कि मामले की सुनवाई पटना में नहीं बल्कि मुंबई में हो। रिया के वकील ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया, वहीं सुशांत के पिता पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। रिया की ओर से दलील दी गई कि पटना में एफआईआर दर्ज की गई जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी। जहां तक पिटिशनर का खुद का कहना है कि सीबीआई को जाए मामला, और दोबारा भी एफिडेविट उसने फाइल किया है कि सीबीआई को मामला जाना चाहिए, उनका सिर्फ एक कैवियट है कि ट्रायल मुंबई में हो पटना में ना हो। हमारा कहना है कि नहीं, ट्रायल भी पटना में होना चाहिए क्योंकि कन्वीनियंस अक्यूज का नहीं देखा जाता है, कन्वीनियंस कंप्लेनेंट का देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता की ओर से भी मामले में पक्ष रखा गया। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर संदेह जताया। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में कभी एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत के परिवार की ओर से मुंबई पुलिस पर सरकारी दबाव का शक भी जताया गया और पटना में एफआईआर दर्ज होने की वजह भी मुंबई पुलिस की जांच में खामी को बताया। एक लाइन आज तक चिट्ठी लेकर भेजा है उन्होंने कि आपका जुरिस्डिक्शन हम नहीं मानते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो हम उसके बाद भी हम कहते नहीं हम करेंगे तो झगड़ा होता, वो तो हुआ नहीं, वो गलत कर रहे हैं, ये अफसोस की बात। इधर सुशांत केस में अब राजपूत करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र और बिहार की करनी सेना आमने सामने है। मुंबई में करनी सेना ने बिहार पुलिस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद बिहार की करनी सेना ने नाराजगी जताई है। बिहार के पुलिस के खिलाफ में तकरार दर्ज की है और उसमें हमने कहा है कि बिहार की जो पुलिस है इनको सीआरपी एक्ट चैप्टर 12 और 13 के अनुसार इनको इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है, कानून से इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। पूरे राष्ट्र में क्या करनी सैनिक, आज ही नहीं जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा उस आखिरी पल तक हम लोग जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ रहा है सियासत और सस्पेंस बढ़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि सच्चाई कब सामने आती है। सहरसा से धीरज सिंह और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।